हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम बात करने वाले हैं डेंसिटी ऑफ कंस्ट्रक्शन मटेरियल। तो जिसमें सबसे पहले बात करते हैं सीमेंट, तो इसकी डेंसिटी होती है 1440 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। नेक्स्ट बात करते हैं ब्रिक, तो ब्रिक की डेंसिटी जो होती है 1600 से 1920 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। नेक्स्ट कंस्ट्रक्शन मटेरियल है सैंड, तो सैंड की जो डेंसिटी होती है 1600 से 1840 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। नेक्स्ट बात करते हैं एग्रीगेट, तो इसकी डेंसिटी जो होती है 1200-1750 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। नेक्स्ट बात करते हैं इंपॉर्टेंट वाटर, तो इसकी डेंसिटी जो होती है 1000 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। नेक्स्ट बात करते हैं स्टील, तो स्टील की डेंसिटी होती है 7850 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है स्टेनलेस स्टील, तो इसकी डेंसिटी होती है 7850 से 8000 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। मेनली ये जो होता है एक मिश्र धातु होती है जिसमें निकिल और क्रोमियम होता है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं सीमेंट कॉन्क्रीट ब्रोक, तो इसकी डेंसिटी होती है 1800 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। नेक्स्ट बात करते हैं लाइम, तो इसकी डेंसिटी होती है 600 से 650 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। आ जाता है ग्लास, तो इसकी डेंसिटी होती है 2530 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। नेक्स्ट बात करते हैं पीसीसी यानी कि प्लेन सीमेंट कंक्रीट, इसकी डेंसिटी होती है 2400 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। नेक्स्ट बात करते हैं आरसीसी यानी कि रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट, इसकी होती है 2500 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। इसके बाद नेक्स्ट आ जाता है ब्रिक मैसनरी, इसकी होती है 1900 से 1950 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। नेक्स्ट बात करते हैं सीमेंट मोर्टार, तो इसकी डेंसिटी होती है 2080 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। नेक्स्ट बात करते हैं लाइम मोर्टार, तो इसकी डेंसिटी होती है 1760 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। इसके बाद नेक्स्ट आ जाता है एल्युमिनियम, तो इसकी डेंसिटी होती है 2750 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। आ जाता है मार्बल, तो इसकी डेंसिटी होती है 2620 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। फिर उसके बाद बात करते हैं ग्रेनाइट, तो इसकी डेंसिटी जो होती है 2460 से 2800 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। फिर नेक्स्ट आ जाता है सैंडस्टोन, तो इसकी डेंसिटी होती है 2000 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। नेक्स्ट बात आती है टीक वुड, तो इसकी डेंसिटी होती है 650 से 680 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। नेक्स्ट बात करते हैं सैंडी सोइल, तो इसकी डेंसिटी होती है 1800 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं क्ले सोइल, तो इसकी डेंसिटी होती है 1900 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। नेक्स्ट बात करते हैं बिटुमिन, जिसका यूज़ अब मेनली रोड्स पे किया जाता है, उसकी डेंसिटी होती है 1040 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। नेक्स्ट बात करते हैं एसफाल्ट, इसकी डेंसिटी होती है 720 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। तो गाइज ये थी कुछ कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स की डेंसिटी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू। कर दो यार, तुम्हारे पैसे थोड़ी ना कट रहे हैं, कर दो।